अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम खालिद और आज हम अरूज एकेडमी के एक प्लेटफॉर्म से कुछ इंटरव्यूज का सिलसिला जारी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे पास जो इंटरव्यू के लिए पहली शख्सियत बाग में मौजूद है उनका तारफ करवाने की जरूरत बनी है क्योंकि वो बाग के हद लजीज शख्सियत है। आप साबिक कायम मकाम वजीर आजम भी थे, साबिक वजीर सेहत भी रहे हैं, साबिक सीनियर वजीर भी रहे और साबिक वजीर तालीम भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और हालिया इलेक्शंस में उम्मीदवार असम्बली हल्का शक्ति वार्ड सरदार कमर जमान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है। सर सबसे पहले तो मैं फीमेल स्टूडेंट होने की हैसियत से बाप की आपको यूनिवर्सिटी का केस जीतने पर बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि मैं फीमेल स्टूडेंट होने की हैसियत से जानती हूँ कि हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था जब यूनिवर्सिटी ना थी। क्या आप ये जो केस जीते हैं आपको इसका यकीन था कि आप ये जीत केस? हम तो केस जीत चुके हैं, इसलिए आप लाए हैं। जिस यूनिवर्सिटी का वो जिक्र कर रहे हैं ना, मैं जायद अहमद सरदार यूनिवर्सिटी अवध है, उसका एक ऑर्डिनेंस हुआ था 2007-08 में और वो हमेशा 4 माह के बाद दोबारा ऑर्डिनेंस करना पड़ता है या फिर असेंबली में एक्ट पास। वार्डनेंस हुआ, वार्डनेंस 4 महीने का खत्म। उस यूनिवर्सिटी का नाम था मजाहिद अहमद सरदार यूनिवर्सिटी खबरदार। हमने 2011 में ये यूनिवर्सिटी बनाई बाहर की, इसका नाम है दी आजाद जम्मू एंड कश्मीर वुमेन यूनिवर्सिटी बाहर, और ये दो डिफरेंट अलग थी, वो यूनिवर्सिटी अलग थी। उसका सिर्फ ऑर्डिनेंस था, खत्म हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमने पहले ऑर्डिनेंस पास किया, इसके बाद फिर हम असेंबली में लाया 2014 में हमने एक्ट बना और एक्ट बन के ये यूनिवर्सिटी बन गई और इसका नाम है वुमेन यूनिवर्सिटी आजाद जम्मू एंड कश्मीर वुमेन यूनिवर्सिटी बाहर। तो ये एक्ट के तहत बनी है, उसके बाद वाइस चांसलर का नहीं लगा, यूनिवर्सिटी चल रही है 6-7 साल से। हम अल्लाह के फजल करम से केस जीत चुके हैं, उन्होंने उसी कोर्ट में दोबारा नजर सानी कुछ नहीं होगा, बहुत हमारे हक में। अब तो 2008 अभी कैंपस शुरू हो रहा है, उसको तामीर कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी अल्लाह का फजल करम से ये कानूनी आई हर रियाज से बिल्कुल मुकम्मल है। सर आप वजीरे सेहत भी रही बाग में, 1 अरब की लागत से ये अस्पताल बनाए गए जो अभी दुनिया बनाए, 1 अरब की लागत से बनाए गए, लेकिन अब भी हम मरीज को जरा जरा सी बात पर नहीं लेकर जाते, तब हम अपने मरीजों का इलाज अपने सरकारी अस्पताल में करना शुरू करेंगे। मैंने जब ये बनाया था ना हॉस्पिटल, तो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, ये जर्मन से आ सकता है, ये 1 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा सबसे जदीद तरीन हॉस्पिटल था, सेंट्रल एयर कंडीशन करता, सेंट्रल हीटिंग भी होता। तो बदकिस्मती ये होगी ना, बिल्डिंग तो हमने हासिल कर ली, तो इसके अंदर मैंने स्टॉक भी जो जिस हद तक था वो मुहैया कर दिया। जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई, इन लोगों की हुकूमत आ गई, तो ये नाहल हुकूमत और ये कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जब इंशाल्लाह हम आएंगे तो इसको दोबारा से सही बिल्डिंग तो बन गई है, अल्लाह का इसके अंदर इक्विपमेंट पूरा देना, पूरा स्टाफ इसको देना। हमने इसको टीचिंग हॉस्पिटल भी बनाया था रावलाकोट मेडिकल कॉलेज के साथ आता है इसको, अगर ये टीचिंग हॉस्पिटल हो जाता फिर भी बहुत फायदा होता, कि वहां जो प्रोफेसर है जो 4-4 पाउंड का लाभ करवा लेते हैं, वो हफ्ते में 3 दिन यहाँ आते हैं, वो इस्लामाबाद से आते हैं सारे, और वो तनख्वाह लेते हैं 4.5-5 लाख और वो फीस लेते हैं 2.5-3 हजार, हम मुफ्त में वो लोगों को देते हैं। एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि जो बच्चे बच्चे वहां हैं बिजनेस कर रहे हैं, वो हफ्ते में 3 दिन लेकर आते हैं, एक एक पेशेंट के ऊपर 10-10 डॉक्टर टीचिंग हॉस्पिटल। इसी तरह हमने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाया इसी के साथ, वो अगर उसको ये सही तरीके से चला लेते तो आज उसकी तादाद हजारों में होती, तो 1,500-800 पर ईयर दाखिला लेते, लेकिन चूंकि ये नहीं कर सके और ये उसके समझ भी नहीं सके कि इसकी रूह क्या है, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल का आ जा रहा है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। वो इसके साथ पूरे पाकिस्तान में पहले 1 साल चला, दूसरा हमने बनाया, उसमें बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, उसमें 38 किस्म के शोभा जाते ट्रेनिंग करते हैं,
जिसमें नर्सिंग 16 ग्रेड की और फिर 17 ग्रेड के रोगी का एग्जाम है। अभी जो ये करवा रहे हैं वो बेचारे सिर्फ 9 ग्रेड का है और सिर्फ 60 लड़कों को कर लिया दाखिला किया जाता है, अलग एक अलाम कर, क्योंकि ये उसको भी नहीं चला सके, नौकरी में ये कर सके। वो भी बच्चे जो है अभी भी आप जाके हॉस्पिटल में देखें, हर पेशेंट के ऊपर 4-4, 6-6 बच्चे हैं, क्योंकि वो यही ट्रेनिंग करते हैं। ये अगर ज्यादा होते तो ये भी 20-30 सकते हैं, हमारे लोगों को बहुत समस्या। सर, आप पसंदीदा लीडर हैं, आपका पसंदीदा लीडर कौन है, जो आपको लगता है कि जिसने बाप वालों को या जो सही मायनों में लीड कर सकता है या जिसने अभी तक लीड किया भी है? देखो, वो तो लामाला हमने जिसको का इंतखाब किया, जिसका रिपोर्टों का इंतखाब किया, उसके बाद मोहतरमा बेदी रिपोर्टों का इंतखाब किया, उसके बाद बिलावल भुट्टो का असरकारी करना चाहिए। तो हमारे पसंदीदा जो लीडर है वो वही है। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेदी भुट्टो और बिलावल भुट्टो असरकारी करता है। बिलावल भुट्टो यही हमारे पसंदीदा लीडर की हमने बात इनका तजुर्बा और प्रोग्राम देखते हैं। सर, अभी हालिया कुछ अर्से पहले मीर अकबर और उनकी पार्टी वर्कर्स की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो इलाके की औरतों से बदतमीजी करते हुए पाए गए। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अपना फंडामेंटल राइट्स इतने बड़ा करते हैं? जो तड़े वाला मसला था वो पानी का वो काम भी मैंने बहुत अच्छे में कहा था। मैंने कहा अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं उसी वक्त एडी को बनाता, प्रोजेक्ट मैनेजर को बनाता, फर्स्ट यू को बनाता, उनको कहता इसको एस्टिमेट करो, इनका पार्क कितना लगता है, उनकी मोटर कौन सी लगती है। मैं उनको कहता कल तक ये पानी लगा देना, 2 दिन बाद में देखने के लिए मेरा होता तो मैं ये करता। बाबा सारी दुनिया ने उसको नफरत की वजह से देखा, क्योंकि जितना वो अर्न कर रहे इतना तो ये बड़ा मसला नहीं था कि एक तो औरतों से बदतमीजी की जाए और ऊपर से बुनियादी मसले के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कल पानी कहा, मैंने कहा मैं होता तो मैं तो इसको एक घंटे को साल कर देता। ये वाका एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं सुदिन गली से इस रास्ते पे आ रहा था, नीचे वहां खुवातीन ने आगे लाइन लगाई हुई थी, उन्होंने कहा हमें पाइप चाहिए, उन्होंने रास्ता में रोका था, मैंने कहा कितने चाहिए, उन्होंने कहा तो मैंने कहा कोई बंदा भेज सकती है मेरे साथ, उन्होंने कहा उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठा, उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठाया, मैं बाहर गया, उसी रात को मैंने उनको पाइप कर, मुझे बदतमीजी की बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक बुनियादी हकूक के इस तरह से मजबूर किए जा रहे हैं, मजबूर हैं भी। हाँ, यही हमारी बदतमीजी है कि ये अगर पंचायती इलेक्शन होते रहती तो ये तो लोकल काउंसिल का और रीजनल काउंसिल के जो मेम्बर थे उनका काम था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का था, लेकिन अगर ये हम इस पर नजर रखते, मैं क्योंकि मेरा जो पहले जब मैं बड़ी बड़ा था पहली दफा इसका मैं इतने ज्यादा फोकस पर एजुकेशन फिर अंत के फोकस उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी भी मैंने बहुत फोकस किया, मैंने बड़ी बड़ी वाटर सप्लाई दी है जिन गवर्नमेंट उनको पानी नहीं था, ये ऊपर जो चौकी कुटड़ी कुटड़ी वालों का पानी है ये 8 किलोमीटर दूर से आता है, 76 में इसी तरह है, इसी तरह वो टक्की में, इसी तरह नदियोला में, पलियाली मेरे गाँव में 12 किलोमीटर दूर से मैन जो मैन लाया है, हमने ये आपकी ग्रेटर वाटर सप्लाई बाढ़ थी, ये दोनों जिस पे पहले 23 करोड़ रूपया खर्च किया था पहले अपनी हुकूमत के दौरान, फिर दलदले के बाद इस पे 1 अरब 40 करोड़ ये कोटला की वाटर सप्लाई या मामला है, हमने बुनियादी तौर पर इन चीजों को फोकस किया। सर, क्योंकि आप वजीरे सेहत भी रहे हैं तो अभी इस आलमी वबा की सिचुएशन में आपने जलसे का इनकार किया है, तो क्या आपको लगता है बीमारी तो ये सारी आदमी ने सजा पे थी और हम तो बिल्कुल गाय तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता सर्विस के लिए जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो इसको फेस नहीं कर सके। इटली का आपने हाल देखा, अमेरिका का देखा, सबसे ज्यादा हम बात करें तो अल्लाह का, इंडिया में मरे तो ये तो अल्लाह की तरफ से कर्म था कि हम अच्छे थे, लेकिन अगर हुकूमतों की कार्यदारी देखी जाती तो देर होती। मैंने इनको कहा था जब से शुरू हुआ, मैंने कहा ये जो तरक्याती स्कूलों में पैसे रख के तो करप्शन करते हैं स्कीमें खाते हैं, आप इससे ये करने के बजाय आप एकदम जो है वेंटिलेटर खरीदें, मैंने इसको एस्टिमेट करके दिया था कि 14 लाख का वेंटिलेटर आता है, 1 करोड़ में आपके पास दे सकते हैं, 11 करोड़ दे सकते हैं और आप 24,500 बजट 100 कार्ड ड्यूटी कच्ची पक्की इनमें खर्च कर रहे हैं, आप वेंटिलेटर खरीदें
आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदें, आप लोगों को मास्क लेके दें ये वाले, बजाय इसके के एक गरीब औरत या बच्ची या बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जो भी है वो 10 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकता, आप उसको 1,000 का जुर्माना लें। मैंने कहा ये मास्क खरीदते, मेरा अगर दोनों का मैं दी होता मैं चौक में एक टेबल लगा के वहां ऑफिसर को बैठा था, इधर बैठे मास्क भी रखें सैनिटाइजर भी पास रखें, जो आए आप उसको सलाम करें, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उसको कहें ये मास्क लें, ये सैनिटाइजर लें, ये खुद कर रहा हूं मैं, रियासत कर रहा हूं मैं, तो ये मैं क्या और उनको देते हैं, उनको कह देते हैं आदमी का बाहर है इसलिए नुकसान होगा, हम बात ये ज्यादा फैले। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ये किया कि लॉकडाउन के बगैर किसी वजह के बजाय इसके लिए फैसिलिटेट करते दुकानदारों को, ये फैसिलिटेट करते आवाम को, ऐसा नहीं कर सकते, सब्सिडी देते हैं, इसके बरक्स ये जुर्माना और इन चीजों। आप वजीर तालीम भी नहीं, आपको लगता है कि कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है पहले और उसमें आप कुछ बेहतरी आई है, या जो आपने तालीमी पैकेज दिया था उससे भी कुछ बेहतरी आई है, कुछ फर्क पड़ा? तालीमी पैकेज और जो था वो तो मैंने आजाद किसी में दिया, उसमें मेरा ये प्रोग्राम था कि जो कि हमारा पहाड़ी इलाका था, स्कूल और बच्चे के दरमियान बहुत फासला था, बच्चे जा रहे थे, टीचर और स्कूल के दरमियान बहुत फासला था, उन दोनों को कम करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी थी कि स्कूल और बच्चे के दरमियान फासला कम करें, स्कूल और टीचर के दरमियान फासला, मैंने उसको 672 से ज्यादा दायरे दिए थे और उसमें ये भाग में मैंने बहुत दिए 1.5-2 दायरे दिए, जिसमें हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसके बाद फिर बदायड़ा इंटर कॉलेज, फिर बाद में डिग्री बनाया बेपॉइंट, इस तरह चिराला, रंगला और इस तरह सारे आजाद कश्मीर। ये तो मतलब ये था कि पहले आप तालीम को आम करें, लिटरेसी रेट पढ़े, बच्चे सारे पढ़े, पहले क्वांटिटी पे वजह दें, उसके बाद क्वालिटी दें, जब सारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्वालिटी होगी, बच्चे ही अगर नहीं जाएंगे तो उसमें हम कामयाब हों, तो अल्लाह के करम अगर पूरे पाकिस्तान में हम नंबर वन पे जो लिटरेसी रेट है हमारा नंबर वन है, हम हेल्थ में भी नंबर वन, ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, बाजार हम हेल्थ में क्यों वो खोलते हैं, ये जो पोलियो था पूरे पाकिस्तान में बाद हम थे जहां पोलियो फ्री था, तो तालीम अब आ गया नजा में तालीम और फिर नसा, ये चूंकि अभी ये पाकिस्तान में से बनता है, आजाद कश्मीर का अलग नहीं है, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में चाहिए इसको कि एक नजा में तालीम करें और नसा भी एक है, यही हल है, वरना ये 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास फायदा होता है, पढ़ते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे, तो इस नसाब को जो है ये एक नसाब के तौर पर चाहिए, और फिर तालीम देती है। सर कुछ लोगों के नाम लोगे, अगर आप उनके एक लाइन में कुछ कहना चाहें या कोई मशवरा देना चाहेंगे, आसिफ अली सरकारी साहब, बेहतरीन मुल्तज आज असला ये तो कमाल, मरियम नवाज, मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी, बिलावल भुट्टो एक अजीम नाना का पोता और अजीम माँ का बेटा, मुश्ताक मिन्हास तो उसके लिए आंसू सकता, उस्मान गुजदार बड़ी दिलचस्प नाम ही दिलचस्प है, चीज ही दिलचस्प, और अभी कश्मीर के जो हेल्थ मिनिस्टर मोहम्मद नजीब वो कर्नल नजी नकी साहब का बेटा और खान मोहम्मद खान का पोता, और इमरान खान एक क्रिकेटर, शेख रशीद बॉन्ड और मीर अकबर, अपनी पार्टी के अलावा आप किसी पार्टी के मंशूर को सपोर्ट करते हैं, कुछ लगता है आपको कि उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ मंशूर या लीडर? मंशूर तो मैं ये सुनकर सबसे बेहतरीन वाली पार्टी, वो तो जाहिर है आपकी एफिलिएशन है, लेकिन किसी और पार्टी के मंशूर को आपको लगता है कि अच्छा है? इसके अलावा अगर किसी को मंशूर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको, कुछ ऑप्शंस आप इनमें से एक दो चूज करना चाहिए, सदारती निजाम के पार्लिमानी निजाम, मेरा अगर जैन पूछे तो वो सदारती निजाम,
लेकिन इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट में काम करना है। सरदार कमर जमान साहब की हैसियत वजीर सेहत वजीर तालीम आप किस नारे को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? नहीं, ये मैं तो समझता हूँ कि दोनों पास कद्दर रखते हैं और हम तो लेते हैं पीपल्स पार्टी के, तो हमारी सोच तो ये है कि ये कश्मीर है ही पाकिस्तान, क्योंकि जब दो को भी नजरिया था ना जिसके साथ तहत वो का आजाद हुआ था, उसको ये था कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत था वो पाकिस्तान, जहां हिंदू की अक्सरियत था वो हिंदुस्तान, अगर वो उस नुकता नजर से ये पाकिस्तान हर हालों को मिले रहे। लोग तो इतनी दुनिया मखलूक मेरे साथ आ रही है, उसको अंदाजा हो रहा है कि लोगों को अपनी गलती का एहसास है, वो छुपते गिर रहे हैं। आप देखो मिसाल मास का आपने सवाल भी किया था, वो तो चाहता है कोई मेले किसी गले में डाल के बाहर, ठीक है। इधर जो मिलकपुर है इसमें कोई सूरत हाल नहीं है, इस वक्त तक सूरत हाल मुझे 75 और 25 पे नजर आ, उधर तो वो उधर भी वो बिल्कुल फारिग है, बाकी लोग उसका भी मजाक नहीं होता। तनवीर रियाज तो अभी इंटरव्यू हुआ, मैं 10 को आ रहा है, 10 को आ जाए तो उसके बाद देखेंगे कि क्या सोचता है, अभी तो वो हल्के में इंटरव्यू। अगर इन इलेक्शन में आप कामयाब होते हैं तो आप कश्मीर की बेहतरी के लिए इस बार सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम? मेरा जो मिशन है, पहला मिशन तो मेरा एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और चौथा बेरोजगारी है, तो उनको डेवलप करना है और लोगों को जैसे पहले आपसे डिस्कशन हुई कि निजाम तालीम को बेहतर करना और सेहत के मामला को बेहतर करना, ये सड़कें पुल बनाकर जोड़ी उनको डेवलप करना, बेरोजगारी का हाल को करना और रियासत का असल मकसद जो इस हुकूमत का है कि ये देश दिल की है, वो कश्मीर की आजादी के लिए इसका बिल्कुल किरदार जो खत्म हो चुका है उस किरदार को दोबारा जिंदा करना और उस मिशन को शुरू करना जिसके लिए ये बनी हुई है, ये उनको वरना पिंडी डिवीजन से काम आबादी में हुकूमत की क्या जरूरत चाहिए थी, ये बुनियादी मकसद था, वो मकसद था कश्मीर की आजादी के लिए उसका बेस का, तो उस असल रूह को दोबारा बहाल। वो तो इस्लामी दुनिया में जाए तो हर कोई पसंदीदा शख्सियत हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके बाद उनकी टीम के चारों सहाबा आपने अध्यक्ष और प्रसंग के काबिल है, उमर फारूक को मैंने बहुत सारे मुकाबले में अदब से किया, उसके बाद अगर आ जाए तो जो बहुत बड़े बहादुर और फाते थे उनमें मैंने सबसे ज्यादा अमीर थे उनको पसंद किया, इसके बाद फिर मैं एक और दुनिया में जब आया तो मैंने इमाम खमेनी को पसंद किया, फिर चेलर बर्दाश्त कर रहा हूँ, चादो से कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, नेल्सन मंडेला को पसंद किया, फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने अपनी जान दे दी थी फिर बैठक नहीं उठाया उनको पसंद किया, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पसंद किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किल हालात में मुल्क को संभाला, तहरीक को संभाला, पार्टी को संभाला, फिर शहादत हो गई, इस तरह मुख्तलिफ शूट में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हालात में आपके बेहतरीन दोस्त को मेरे बेहतरीन दोस्त मेरे बहुत दोस्त है, इसलिए हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों के दोस्त बहुत होते, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अच्छे, वैसे तो मेरे कुछ दोस्त है जो बचपन में जब हम 5वीं तक पढ़ते रहे, प्राइमरी के कुछ दोस्त है, फिर मिडिल के कुछ अलग दोस्त है, कॉलेज दौर के कुछ अलग दोस्त है, सियासत के अलग है, लेकिन चूंकि हमारे दोस्तों का बहुत वसी वो होता है, क्या कह सकते हैं आप उसको, बहुत वसी है, इसलिए उसमें कोई किसी चंद लोगों को या एक दो को चूज करना,
आपके बच्चों में से आपके सबसे करीब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाए सभी लोगों ने आपसे पूछा सबसे करीब आपके बेटे करीब किसी खास मकसद से वजह से करीब मुझे बच्चे तो दो मेरे बेटे हैं दो बेटे हैं मुझे एक ही जैसे लगते थे तो एक तो है उसके जाने के बाद का प्रोग्राम मुझे सबसे अच्छा आज नहीं ये मुझे पहले महसूस नहीं है वो उसके बाद आपका पसंदीदा खाना तो आप इन टाइम सादा खाना में खाता हूँ लेकिन मुझे शिरवारी के टीके और अपने मुल्क का जो है अपने इस मुल्क का मुझे मकई की रोटी लस्सी और उसको खा सकती हूँ कश्मीर में आपकी फेवरेट जगह पसंदीदा जगह मेरी कश्मीर में बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह है सदन वैली सदन वैली जो मैं आता हूँ उसके बाद नेहरू वैली में शाम तौर पर एक जगह बनाई गई वो भी मुझे बहुत पसंद है सबसे ज्यादा मुझे पसंद है सदन वैली और नेहरू वैली में शूट है शूट वाली की जगह है जो आस पास पहाड़ है उनसे मिल जाए तो बहुत पसंद है आपका पसंदीदा लिबास सियासत के अलावा किसी और प्रोफेशन को पसंद करना आप जाना चाहते हैं सियासत के अलावा मैं बिजनेस भी करता रहा मैं ये स्टूडेंट्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ ये यहाँ तक कि अपने इन्हें खुद काट भी लेता हूँ पॉलिस भी अब मैं खुद काटता भी हूँ पॉलिस भी खुद काटता हूँ पॉलिस कर रही है अरे भी तो ये जो ही नहीं खाता हूँ बड़ा मुश्किल तो ज्यादा मैं ये और तीसरा कोई मैं दूरी तक मेरी ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत खूबसूरत जगह और आखिर पे एक पूछे जाना आपको पसंदीदा गाना मेरा पसंदीदा गाना मैं ये सवाल में से पूछा था गाने मेरे मुझे बहुत कम पसंद है मेरी पसंद ही नहीं सुन पाई मेरी गाड़ी में कैसे होती है और मौलाना अब्दुल मजीद शाहरुद्दीन की और